वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ, सिमिलरिटीज और नॉन सिमिलरिटीज बिटवीन एक्यूपंक्चर एंड ड्राई नीडलिंग। आप सब जानते ही होंगे कि एक्यूपंक्चर और ड्राई नीडलिंग दोनों सेम नीडल से की जाती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस सिमिलरिटीज भी इतनी ही है कि इन दोनों में सेम नीडल्स यूज की जाती हैं, जो स्टेनलेस स्टील सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील होता है उसको यूज करके थ्रो कर दिया जाता है। क्या आपने कभी ड्राई नीडलिंग या एक्यूपंक्चर कराया है? अगर नहीं कराया तो आप एक्टिव प्लस से मिल सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप एक्यूपंक्चर या ड्राई नीडलिंग कराएं, फ्रेश पैकेट्स हों इस तरह से खुले बंद और वो यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्राई नीडलिंग और एक्यूपंक्चर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहले तो एक्यूपंक्चर बहुत एंशियंट चाइनीज थेरेपी है, इसके टेक्स्ट में करीब 6,000 साल पुराने इसके लिटरेचर्स मिलते हैं। और ड्राई नीडलिंग बहुत मॉडर्न वेस्टर्न रिसर्चर्स ने जब डेवलप किया, जब से इंजेक्शन यूज़ होना स्टार्ट किया, तो काफ़ी सारे रिसर्चर्स ने एक नीडल के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू इनिशियली मस्कुलोस्केलेटल नॉट्स पे या टाइट बैंड्स पे यूज़ करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने ये इस प्रक्रिया की तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स में पेन काफ़ी जल्दी रिलीज होने लगा, जहाँ बहुत सारे पेन किलर्स को देने का कोई पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। आप सिर्फ नीडल लगाएं, इंजेक्शन दें उस पार्ट पे और उसमें कोई भी दवाई ना दें तो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तब ये नीडल्स का यूज़ होना स्टार्ट हुआ और देखा गया कि करीब 80% तक सिर्फ नीडल के यूज़ करने से पेन कम होने लगा। अब साइंस के बारे में बात करते हैं कि ड्राई नीडलिंग की साइंस क्या है और एक्यूपंक्चर की साइंस क्या है। एक्यूपंक्चर की जो साइंस है उसको मेरिडियन लाइंस बोलते हैं। आपने चार्ट्स बहुत सारे देखे होंगे, पॉइंट्स बने होते हैं, उन पॉइंट्स पर ही नीडलिंग की जाती है। चाहे आपका टांग का दर्द हो तो उसके जो पॉइंट्स है उस पर किया जाएगा, बैक का पेन है तो एक लिमिटेड साइंस है। इस पर जब रिसर्चर्स ने बहुत सारा काम किया, देखा गया कि कोई सिमिलरिटीज नहीं मिली। सारे के सारे अगर नी पेन के पेशेंट्स आए, सारे के सारे बैक पेन के पेशेंट्स आए, सेम मेरिडियन पॉइंट्स पे नीडलिंग की गई तो बहुत ज़्यादा असर नहीं देखा गया या कोई सिमिलरिटीज उन सारे पेशेंट्स में नहीं दिखी गई। लेकिन ड्राई नीडलिंग वहीं पर जो आपका पॉइंट होता है, जो आपका मसल होता है, जहाँ पर आपको लगता है कि पेन है, हम उन्हीं मसल्स पर नीडल को इंसर्ट करते हैं। और डिपेंडिंग कि कितनी देर डॉक्टर को लगता है या प्रैक्टिशनर को लगता है, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वो लगाता है और नीडल को छोड़ देता है। कई बार वो नीडल से उसको ऊपर नीचे भी करता है ताकि फाइबर्स को और ज़्यादा या नॉट्स को और ज़्यादा रिलीज कर सके। और डिफरेंट टेक्निक्स भी होती हैं नीडल को यूज़ करने में, जिसमें से एक टेक्निक होती है, अगर मसल बहुत ज़्यादा टाइट है, आप देख सकते हैं कि नीडल बहुत टाइटली जा रही है, वो उसके ऊपर इलेक्ट्रोड लगा के करंट भी पास करेगा ताकि मसल को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सके। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नीडल जितना सेफ होता है उतना ही ज़्यादा सोरनेस भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको नीडलिंग के बाद बॉडी में सोरनेस आ रही है, थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा है, ये भी नेचुरल है। ऐसा करने पे आप घबराएं ना, या तो अपने प्रैक्टिशनर से पूछ लें क्या करना चाहिए या आप सिर्फ घर जाके आइसिंग करें। अगर आपको और ज़्यादा वीडियोज देखनी हो सिमिलर टॉपिक्स पर, आप हमसे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर एंड मोर वीडियोज। थैंक यू।